फर्स्टली थैंक यू सो मच IWM बस, थैंक यू सो मच बाक इंडिया, थैंक यू सो मच कलर्स, आप सबने हमें यहाँ बुलाया एंड इट्स रियली नाइस, बहुत प्यारी जगह एंड Of course. Who are you nominated for? You are nominated for Primetime Hero. I am nominated for Primetime Heroine. And our show is also nominated. यार इनका पहला अवार्ड है और उसमें पहली बार हम लोग नॉमिनेट हुए तो बहुत खुशी की बात है एंड थैंक यू आई जस्ट वांट टू थैंक देम यार थैंक यू कलर्स बाक इंडिया IWM बज इंडियन विकी मीडिया रॉक्स आई थिंक बहुत अमेजिंग आर्टिकल्स होते हैं उनके उनके सारे लोग से हम मिलते हैं बहुत टाइम से जुड़े हैं एंड श्री इज हियर मनीषा इज हियर All these guys and these guys do an amazing job and inshallah bas award hopefully mil jaye boliye boliye bataiye kida maloom hai pehle to award hai so we are very excited and nervous and you know mixed feelings hai kafi sari but we are going to party here and yeah after that yeah we will party we are excited also bahut dhamaal hoga thank you so much मैं काफ़ी सालों से स्टार प्लस के साथ जुड़ा हूँ एंड इंशाल्लाह पता नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं ये सेम क्वेश्चन था नहीं डोंट नो मैं सिर्फ स्टार प्लस मैं सिर्फ ये रिश्ता देखती हूँ बट वी लव सलमान खान आई लाइक शाहरुख आप पे सर आप तो
पार्टी के मूड में ही आई हूँ क्योंकि मैं शूट करके एक्चुअली काफ़ी थक गई थी, तो मुझे सुबह से काफ़ी एक्साइटमेंट था यहाँ आने का. मैं सुबह से काफ़ी एक्साइटेड थी. यूजली मैं पार्टीज जाने के लिए इतनी एक्साइटेड नहीं होती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पार्टी नहीं गई हूँ. सो यार मेरा पार्टी मूड डिपेंड्स. इफ आई एम लाइक वेरी टायर्ड देन आई डोंट प्रिफर डूइंग पार्टी. आई जस्ट गो होम एंड रेस्ट. एंड इफ आई हैव माई फ्रेंड्स लाइक माई पीपल तो हाँ मुझे आप पूरी रात जगा लो पूरा दिन जगा लो आई एम ओके विद इट. बट इट टोटली डिपेंड्स. लुक्स के बारे में ओके सो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे लिए कम्फर्ट सबसे पहले आता है. सो दिस लुक इज़ वेरी कम्फर्टेबल. आई मीन अ कम्फर्टेबल ब्लॉक हील्स विद दिस ज़ारा कलेक्शन. क्या आई एक्चुअली ट्रिप ऑन इट. मैं शो मतलब सेट पे बैठे बैठे बहुत बार ऐसे करती हूँ शिट मेरी शादी हो रही है बिकॉज दिस इज समथिंग आई कंप्लीट शिट मेरी शादी हो रही है शो में. मुझे वैसा होता है. बहुत अजीब और वियर्ड सी फीलिंग थी. मतलब मुझे पता नहीं जब मेरी रियल में शादी होगी तो मुझे कैसा फील होगा, पर वो काफ़ी वियर्ड था क्योंकि वैसे साड़ी विद पल्लू एंड एवरीथिंग मुझे खुद को देख के लग रहा था वो शर्ट इज दिस मी, क्योंकि मैंने खुद को वैसे कभी नहीं देखा. तो हाँ मैं पार्टी के लिए मैं अवार्ड के लिए आई थी. So I am very delighted to tell you that I've picked up 3 awards tonight. One on behalf of Kumkum Bhagya and one on behalf of course myself for being the favorite primetime heroine of the year, and one on behalf of Dheeraj Dhupar for being the favorite primetime hero of the year. Yes. हाँ हाँ बिल्कुल. शो को बहुत पसंद किया जा रहा है एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट. टीआरपीज आर शोइंग दैट एंड इट्स शोन दैट द एंटायर ईयर. और आई कैन बी मोर थैंकफुल. आई थिंक इट्स द बिगेस्ट शो ऑफ माय करियर एंड ऑल दो ऑल द शोज हैव बीन वेरी क्लोज टू माय हार्ट बट टीआरपी वाइज इज डेफिनेटली द बिगेस्ट शो एंड जस्ट आई एम वेरी थैंकफुल. मेरी पार्टी की कंडीशन होती है दैट आई शुड हैव माय गैंग विद मी व्हिच इज़ नॉट हियर टुनाइट. धीरज नॉट हियर. कुंडली से नो वन हियर. कुमकुम से नो वन हियर. एंड सो आई थिंक आई विल स्टिल प्रोबेबली गो इन शेक अ लेग एंड गो होम. मेरा लुक तो देखा ही नहीं. So since bling is so much around us these days, I thought I should pick up this dress, especially today when I've been shooting 12 hours and I was a little tired. I thought I'll wear something golden blingy. Oh, you can't hear it? Acha. So I'll repeat it. So since bling is in and there's so much bling around us, I thought I should also try my hands on it. एंड ब्लिंग में क्या होता है ना, तुम चाहे थके हुए हो और 12 घंटे काम करके आए हो, कुछ ब्लिंगी सा ऐसे चमकीला सा पहन लो, यू विल स्टिल लुक वेरी वेरी अट्रैक्टिव. सो दैट्स व्हाट आई डिड टुनाइट. रॉली क्या बात करो. हाँ मुझे लगा पर्सनली. श्रद्धा इज ऑसम. या मुझे ऐसा लगता है कि इसका सारा का सारा क्रेडिट जो है वो किसी एक इंसान के हाथ में नहीं है, पूरी टीम में डिवाइड होता है जो शो बना रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बिहाइंड द कैमरा, who are in the offices writing the scripts, planning the screenplay, everything. सबके
सबको क्रेडिट जाता है कि शो अच्छा कर रहा है और एंड ऑल्सो द ऑडियंस हु आर लाइकिंग द शो सो मच. सो फ्रेंड्स यू नो देन दे कॉल योर नेम आउट इन बिटवीन. बड़े मेरे पीछे पड़ गए तुम मीटू बोल रहे थे. I'm still happy. I would still say ki you please come up and say things. Baad mein the team who has to find out whether you're right or not will do their job. But you say what you have to say because we are all given freedom of speech and we should bring such things to light. Aur me too ke baad I have personally experienced a big change in the way people behave around you and I'm super duper loving it. Okay ma'am, aapne nahi bataya. आपने नहीं बताया आपके साथ मिस भी है नाम नाम बता बता होगा नहीं. यू नो नाम बताना या किसी को स्पॉटलाइट में लाना उसका पर्पस क्या होता है कि ये चीज़ जो है इन करेक्ट हो जाए राइट और वो मैं करेक्ट होते देख रही हूँ. सो आई डोंट रियली नीड टू स्टैंड इन बिटवीन एंड मुझे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पहचाना जाता है. इसके बाद बैंड स्टैंड में मेरा स्टैचू बनने वाला है. थैंक यू सो मच. हमें मोस्ट पॉपुलर शो वीकेंड फिक्शन के लिए अवार्ड मिला है एंड आई एम वेरी हैप्पी. जो भी कुछ हो रहा है आप लोगों की वजह से हो रहा है तो थैंक यू सो मच गाइज. आप बहुत प्यार देते हैं इसलिए वो सारा प्यार टी आर पीज के रूप में हमारे पास आता है और हम बहुत खुश होते हैं. जी बेसिकली हर किसी का अपना जॉनर है. जैसे अब हम एक्शन फिल्म देखते हैं तो उसका अपना जॉनर होता है, रोमांटिक फिल्म देखते हैं तो उसका अपना जॉनर होता है, उसी तरीके से वेब का अपना जॉनर है. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम टेलीविज़न पे नहीं टेलीकास्ट कर सकते ड्यू टू सर्टेन रीजंस एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम वेब पे दिखा सकते हैं. तो कंपैरेटिवली हम कंपैरिजन नहीं कर सकते दोनों का आपस में. कौन सा कुछ अगर ऐसा है तो गलत है, ऐसा नहीं. जी नहीं नहीं सर, मैं इंसान हूँ शो में भी और असल में भी. लेकिन काफ़ी बात हो रही है कि जो हमें जो जानकारी मिले आप ही नागराज हैं. ये वो वाले सूत्र हैं जो मेरे को नहीं जानकारी देते. ये आप लोगों को पता नहीं कैसे जानकारी, बाकी ये किसी भी सूत्र से मेरे तक जानकारी अभी तक नहीं आई है. अगर आएगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा. पता नहीं सर, मुझे अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चला. सर ये खबर मेरे तक नहीं आई, ये आप तक आई है. अच्छा पता नहीं, मैं सीरियसली मैंने तो पढ़ी भी नहीं इसलिए मैं इसके बारे में नहीं कमेंट कर पा रहा हूँ. लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर ऐसा कुछ है भी मार्केट में न्यूज़ तो ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत ही एक्साइटेड है. फंक्शन इतना कमाल का है, पार्टी भी बहुत कमाल की होगी. मैं वापस जा रहा हूँ फिलहाल शूट करने के लिए, उसके बाद शायद मैं आप लोगों को ज्वाइन करूँगा पार्टी के लिए. चलिए थैंक यू सो मच. चलो चलो चलो. अवार्ड नहीं, हमने आज वी हैव स्पोकन. आई थिंक मैं कभी ऐसा मैंने किया नहीं है क्योंकि मैं हमेशा से इश्बाज में बिजी थी. बट व्हेन आई हैव टाइम ऑफ दिस मैंने एक अच्छे से समिट में पार्टिसिपेट किया. आई थिंक वी वर टॉकिंग अबाउट द न्यू एज रोल मॉडल्स एंड बहुत अच्छा लगा मुझे. बहुत सारी बातें, बहुत सारे डिस्कशंस हुए. आई थिंक कहीं ना कहीं आई होप लोगों के लिए जो एक्टर बनना चाहते हैं इंस्पायरिंग हो. आई होप कोई एक ऐसा टॉपिक जो आपको इंटरेस्टिंग लगा.
सब बातें कर रहे थे हम लोग. आई थिंक बहुत अच्छी अच्छी बातें विकास ने निकाली, डिस्कस किया अबाउट यू नो योर फेम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेम. आई थिंक इट वॉज ब्यूटिफुली हैंडल, मॉडरेटेड नाइसली. नो So yes, I think Vikas handled the whole thing so nicely. बहुत मज़ा आया, बहुत सारे discussions हुए TV को लेके, जो बहुत ज़रूरी है, जो लोग देख रहे होंगे वो समझेंगे कि बहुत interesting था ये. TV पे अभी content पूरी ऑडियंस सब कुछ देख रही है. मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. हम बनाते ही सीरियल लोगों को एंटरटेन करने के लिए हैं, एंड आई थिंक जो अभी चल रहा है कंटेंट वो चलना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एकदम सुपर है. यू नो सूनर द बेटर. सो आई एम ग्लैड दैट यू नो पीपल आउट देयर आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स, एंड इट्स गुड टू बी हियर. सो आई एम हियर आई थिंक टू मीट माई फ्रेंड्स एंड कंग्रेचुलेट जूम एंड द एंटायर टीम ऑफ आई एम डब्ल्यू एंड कलर्स एंड एवरीबडी आउट देयर. सो आई थिंक इट्स माई फर्स्ट पार्टी विद जूम एंड यू नो आई एम आई डब्ल्यू एम के साथ सेकेंड पार्टी है, बट आई थिंक जूम इट्स अ फर्स्ट मीट विद जूम. सो आई एम ग्लैड टू बी हियर एंड आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट एवरीबडी एसोसिएटेड विद द टीम, एंड या लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ग्रेट पार्टी. आई थिंक बोथ मीडियम हैज़ देयर डिफरेंट मैसेज कन्वेइंग मेथड. आई मीन जो चीज़ें आप टेलीविजन पे दिखाते हो वो शायद वेब पे लोग नहीं पसंद करेंगे, एंड जो चीज़ें वेब पे दिखाई जाती हैं वो टेलीविजन पे डेफिनेटली अलाउड नहीं होंगी. सो आई थिंक एवरी मीडियम हैज़ देयर ओन ब्यूटी, ओन कल्चर, ओन शोकेसिंग प्रोग्रेस. सो मैं दोनों को मिक्स नहीं करना चाहूँगी. वेब हैज़ देयर ओन परसेप्शन मेथड, एंड टीवी हैज़ ऑफकोर्स एवरीबडी नो हाउ टीवी वर्क्स, एंड ऑफकोर्स बोथ द मीडियम हैज़ डिफरेंट ऑडियंसेस टू इट. सो लेट्स नॉट मिक्स बोथ. जो टीवी की ऑडियंस है वो टीवी देखेगी, अगर उन्हें वेब पसंद आए तो वो वेब की तरफ देखेंगे, एंड देन या सो आई थिंक बोथ हैव डिफरेंट ऑडियंसेस. आई थिंक इट्स अस, लाइक आई एम अ टीनेजर, आई विल नॉट प्रोबेबली वॉच टीवी एंड वॉच web, because that is something which is my choice. So I think everybody has their thing of making a choice. Thank you. So this was, I'm not kidding, but this was a 25 minute look. I was actually at a shoot and then I had some meetings, so this was my very jaldi fai look. Talking about my look, I tried avoiding black. So that's why I'm wearing this pastel pink outfit, which has a shrug, which has a crop top and a harem pant, and of course black shoes, and then very minimalistic jewelry on it and just a watch. I have really tried my best to get a change for the audience like you, ki unko varied characters and stories dekhne ko mile. मैं आपसे बात करी, मैं आपका नाम नहीं जानती, सॉरी. शादमा, टेलीविजन सेट कहीं नहीं जा रहा, टीवी कहीं नहीं जा रहा. हाँ, आजकल वेब प्लेटफॉर्म आ गया है, डिजिटलाइजेशन है, बहुत सारे लोग वेब देख रहे हैं, बट हर घर में टीवी है. अगर आप 2 tier cities में जाएं, 3 tier cities में जाएं, तो सबके घर में वो इडियट बॉक्स होता ही होता है. तो मेरे ख्याल से जैसे वेस्टर्न क्लोथ्स की अपनी जगह होती है, इंडियन वेयर की अपनी जगह होती है, इसी तरह प्लेटफॉर्म, वेब प्लेटफॉर्म की अपनी जगह एंड टीवी की अपनी जगह. आई थिंक सो, अगर आप मेरा ओपिनियन जैसे ले रहे हैं, डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज आज का यूथ कल का मिडिल सेक्शन बनेगा या ओल्ड एज बनेगा. सो एंड यूथ शुड एक्सपेरिमेंट. इफ यूथ विल नॉट एक्सपेरिमेंट, देन हु विल एक्सपेरिमेंट? सो आई थिंक सो देयर इज लॉट ऑफ स्कोप, एंड आई पर्सनली फील दैट हम लोग अभी भी थोड़ा डरते हैं एक्सपेरिमेंट करने से, वो व्हाटएवर रीजंस. प्राइमरी रिस्क लेने से सबको डर लगता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल, बट अगर हम लेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है. आज के लुक के बारे में, आई बिलीव इन कम्फर्ट, एंड आई बिलीव इन वॉट आई वेयर टॉक्स अबाउट माई सेल्फ. सो वॉट आई वेयर टूडे इज़ आई वेयर अ कोट, बिकॉज मुंबई में थोड़ी सर्दी हो रही है,
So and it gives you a nice powerful statement also, and it's very me. So this is my look. Thank you so much. Thank you. Thank you. Excited to be here and full party mode में है जैसे आप देख सकते हैं party 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 सितारे जैसे चमक रहे हैं full comfortable dress में है ताकि अच्छे से dance कर सकें right I think the content that we're making already on television is already amazing because sab log sabhi jitne shows hain itna acha kar rahe hain I would just say ki yeah we can bring out more of young generation into it I think a little more of young generation young shows jo teenagers dekhe because already hamari audience bahut occupied hai jo adult hai usme and already hum log itna acha bana rahe hain so we can always improve it anytime I don't know that yet, but yeah, I would say कि it's amazing actually. जितने भी मैंने web shows देखे हैं, be it alt or be it Netflix, it's just amazing actually, and it's bringing out something different. And I don't know कि overpower करेगा या नहीं, but मैं दोनों को ही बोलूँगी, दोनों को ही respect देना चाहूँगी. ये बहुत ही मुश्किल किस्म का सवाल है. Somebody just got an award. Congratulations. Congratulations! You're not recognizing me. Of course, I'm recognizing you. You played my daughter, yeah. Oh yeah. In Vain Taha. Oh yeah. Just because you become a star, you think I won't remember no. you? You're darling. What's inside my bag? I think I'm really, really excited. They know what's inside all of all us. Yeah. We are very excited to know what's in this party. And I think yeah. I love you guys because I think you guys have made the most of the buzz of Ace of Spades. I kept yeah. seeing a lot of news. So yeah. Okay. Also, Vikas bhi andar hai. I'm gonna be there. Very much excited. I made him very sure. Yeah. House guest. Yeah. How are you doing, house How guest? Are you doing, housemates? Let's start from the INT. So, as you can see, my outfit, it's a kind of Indo-Western and a tube neck with my diamond purse. Yeah, now over to Chetna. Okay, so I'm just... Big! तो फिलहाल अंकित तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज़ ही स्टैंडिंग एक्जैक्टली इन बिटवीन फोर ब्यूटीफुल विमेन यस आई एम द लकी कृष्णा टुडे बट यस ऑफ कोर्स द पार्टी आई एम श्योर इज रियली गोइंग टू बी एक्साइटिंग सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गो इनसाइड जैसे आप हमें छोड़े एक्चुअली अंकित की एक्साइटमेंट तो उसके बालों से भी पता चल खड़े हो गए
सब एक ही इंडस्ट्री के रोज़ हर कहीं ना कहीं हर एक से मुलाकात होती है, लेकिन हमेशा एक काम के सिलसिले में मुलाकात होती है और हर एक आदमी डेडलाइंस मीट कर रहा है, हर एक आदमी काम कर रहा है, लेकिन एक ऐसा वक्त ज़रूर चाहिए होता है वेयर यू कैन सिट बैक एंड वॉच योर ओन वर्क, डिस्कस आइडियाज़ एंड सी वेयर ईच वन इज़ स्टैंडिंग, क्योंकि ग्रोथ तभी होगी जब हम अपने आप को एनालाइज करें और औरों को भी समझें. तो आई थिंक ये जो इन्होंने समिट की है, दिस इज़ बीन अ वेरी गुड स्टेप. इट्स द फर्स्ट ईयर एंड आई विश देम लक. वी हैव टू कीप डूइंग इट, इज़ फॉर अस ऑल ऑफ अस. देखिए डिबेट बदलाव तो खैर बहुत लंबा प्रोसेस है अपने आप में. जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और कुछ नहीं है, तो कम से कम आपको एक तरीके से जो है इन्फॉर्म रखते हैं कि आसपास और क्या चल रहा है. आपकी सोच दूसरों तक पहुंचती है, दूसरों की सोच आप तक पहुंचती है, तो यही जो एक मेरे ख्याल से जो सोच का आदान प्रदान है, तो मतलब नाउ इफ यू लुक एट इट इन अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव वे, तो द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज. मेरे ख्याल से एक दूसरों के आइडियाज़ का आदान प्रदान तो बहुत ज़रूरी है. थैंक यू. आई थिंक ब्लैक इज़ अ ड्रेस विच आई ऑलवेज फॉल बैक ऑन. आई थिंक कभी ब्लैक अगर आप पहने हो तो यू कैन नेवर गो रॉन्ग काइंड ऑफ अ थिंग. एंड आई थिंक द ओकेजन इज ऑल्सो सच दैट इट शुड नॉट बी टू मच एंड इट शुड नॉट बी टू लेस ईदर. सो ब्लैक गिव्स यू दैट पावर पैक्ड यू नो अपीयरेंस. या आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक बेस एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है विच इज़ टेलीविजन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म अवार्ड्स. आई थिंक एज यू ऑल नो दैट द डिजिटल प्लेटफॉर्म इज़ नाउ यू नो इंक्रीजिंग इट्स यू नो टेंटिकल्स आई कैन से एन अप्रोच विच इज़ स्प्रेडिंग यू नो रियली फास्ट. एंड इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अब एंड टेलीविजन इज़ ऑल्सो बीन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम. And today, even this digital platform is a very, very strong medium because it reaches out, according to me, even more than what probably television does. So it's on everyone's phones. It's kind of just about everywhere. So I think it's a very strong medium, and also for filmmakers to experiment, to make the kind of films that they want to. And now the awards have come, so it's interesting. It's very, very interesting. नहीं कर रहा वेट में. ओके गाइस, सो आज का खास डिस्कशंस कुछ हो रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर. क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ डिस्कस किया है उसके बारे में? सी यू आर द मॉडरेटर. आई एम द मॉडरेटर, यस आई एम. और वो भी यंग गन्स अचीवर्स को लेकर था, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझें कि कोई इंसान अगर किसी भी फील्ड में कुछ अच्छा करता है तो वो क्यों करता है, और क्या उनके दिमाग में चलता है, क्या उनकी लाइफ में चलता है, और क्या आपको उससे मिल सकता है सीखने को. आई रियली फील दैट गलतियाँ खुद नहीं करनी चाहिए, दूसरों से की देख कर सीख लेनी चाहिए. एंड सम हाउ आई रिमेंबर वन ऑफ द सेशंस आई हैड लॉन्ग टाइम बैक, आई थिंक आई हैड अटेंडेड मामी, और मामी में ना देर वॉज अ मास्टर क्लास विद जेन कैंपियन. जेन कैंपियन इज एन ऑस्कर विनिंग फिल्म मेकर, और वो जो एक सेशन मैंने अटेंड किया था और सुना था, that gave me so much more of knowledge and courage in my life than a lot of other things did. So I feel it's always nice to see people, achievers, and kind of learn from their life, and it kind of inspires you. Okay, kya aise cheez hai jo aap chahte hain ki dekhne mein change ho? I think if it had more system to it, if in television there could be a little bit more of guidance with people, of understanding. जिस तरीके से फिल्म स्टार्स के करियर्स संभाले जाते हैं, समझे जाते हैं,
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आई थिंक वो टेलीविजन में नहीं होता है. सो यू माइट हैव सम ब्रिलियंट टैलेंटेड पर्सन हु माइट नॉट गेट देयर ड्यू, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट पीपल हु आर ऑन द कैमरा, बिहाइंड द कैमरा एज वेल, फॉर सम 10-12 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, एंड इट टेक्स अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम टू बी एबल टू गेट दैट राइट. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई फील शुड बी मोर सिस्टमाइज्ड. टेलीविज़न में मैं जो चेंज करना चाहूँगा वो है थोड़े यूथ ओरिएंटेड शोज़ बनाइए, क्योंकि यूथ ओरिएंटेड शोज़ की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है. स्प्लिट्सविला, एमटीवी, ये सारा यूथ है, लेकिन एक प्रॉपर यूथ शो जैसे हॉलीवुड बाहर दिखाते हैं, यहाँ की जो ऑडियंस है वो भी वो देखने लग गई हैं. अगर आप खुद की कंट्री के लिए नहीं बनाएंगे तो लोग कैसे देखेंगे, टीआरपीस कैसे आएंगी? तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग यूथ ओरिएंटेड शोज़ बनाइए और मुझे काम दीजिए उन शोज़ में, क्योंकि मुझसे अच्छा यूथ लीड आपको मिलने वाला है नहीं. तो मैं चाहूँगा कि टीवी में आप लोग यूथ के शोज़ ज़्यादा बढ़ाइए. जी डेफिनेटली, वेब सीरीज़ में आपके पास खुली छूट होती है, आप कैसे भी शूट कर सकते हैं. आप टीवी में एक सर्टेन लिमिट होती है कि आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप दिखा नहीं सकते. लेकिन यूथ जैसा है आज का, लोग चाहते हैं डिफरेंट चीज़ें देखना जो वो बाहर देख पाते हैं. एंड इंडिया में जो वेब सीरीज़ बन रही हैं, डेफिनेटली इट्स ओवर पावरिंग द टेलीविज़न एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एंड आई थिंक कि वो होता रहेगा जब तक टेलीविज़न ग्रो नहीं करेगा. तो आई थिंक टेलीविज़न शुड रियली कम अप विद नाइस शोज़, और कुछ लिमिटेशंस कम करनी चाहिए. एंड क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं आगे, एंड सबकी सोच भी अच्छी हो रही है, बढ़ रही है. तो आई थिंक दे शुड रियली चेंज देयर थिंकिंग, एंड वेब सीरीज़ नहीं तो ओवर पावर कर देगा. जी एक्चुअली काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ, और अच्छा लगा जब सेम फील्ड के लोग हम एक दूसरे से मिले और एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश की. एंड थ्रू दैट वी वांट टू रीच आउट टू द ऑडियंस, वी वांट टू रीच आउट टू द पीपल हु लुक अप टू अस. एंड इट वाज अ नाइस फेयर डिस्कशन वेयर वी आर शेयरिंग आर स्टोरीज, आर पर्सनल लाइव्स, आर स्ट्रगल्स, सो दैट आप लोगों को अपनी जर्नी तय करने में आसानी हो. So it was really nice to for IWM Buzz to come and take this initiative and set up a platform for this, and to bring us people like us together, so that we can reach out to more audience, more and more people. So I think it's a good initiative. So I thank them and I congratulate them. कितना टीवी बदला है फ्रॉम तो टीवी का बदला है एक्चुअली ऐसा नहीं है. इट इज़ जस्ट दैट कहीं ना कहीं हम प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ऑडियंस की डिमांड होती है, या कुछ बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आते हैं चैनल पे, टीवी पे, लेकिन चलते नहीं है. बिकॉज एक सर्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी देखती है वो शो, और एक मास ऑडियंस नहीं देख पाती, नहीं समझ पाती उस शो को, बिकॉज उसका पेस बहुत फास्ट होता है, बिकॉज उसका नरेशन बहुत फास्ट होता है. सो कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे शोज़ भी आए हैं जो अनफॉर्चुनेटली नहीं चले हैं. तो दैट्स वाई पीपल आर फाइंडिंग इट ईजियर टू रीच आउट टू द वेब प्लेटफॉर्म, सो दैट पीपल कैन कम ऑन द टेक्नोलॉजी, कम ऑन मोबाइल फोन्स एंड वॉच इट. दातों पे कुछ लगा था, बिस्किट खा के आया. पूछो जी, बताइए. काफी सारी काफी सीखने मिला है,
वेल टॉपिक विथ अ न्यू एज रोल मॉडल्स जो आई थिंक हमें बुलाया गया था इसलिए क्योंकि आई थिंक इन्हें लगता है कि हम न्यू एज रोल मॉडल्स हैं एंड वी काइंड ऑफ इंस्पायर पीपल. तो इम्पॉर्टेंट ये था कि हम कुछ बोलें, अपने अपने जो व्यूज़ हैं वो एक्सप्रेस करें. तो वही किया. टाइम कम था और 6 लोग थे, विकास मॉडरेट कर रहा था. तो बट आई स्पोक माई हार्ट आउट, जो मुझे बोलना था, जो मैं थोड़े से टाइम में बोल सकता था मैंने वो बोला. और आई जस्ट फील अगर कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लुएंस हो सके किसी सिटी में, किसी कंट्री में, सो आई थिंक माई जॉब इज डन देयर. टेलीविजन में क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए? एक तो आई थिंक वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग टाइमिंग्स. बिकॉज होता क्या है, हम एज एन एक्टर हम लोग काम करते हैं 12 घंटे. इफ आई टॉक अबाउट टेक्नीशियंस, इवन यू गाइज, आप लोग रादर काम करते होगे 16 घंटे 18 घंटे. कभी कभार हम लोग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है. बट व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर हमारा शूट 10 बजे स्टार्ट हो रहा है, जो टेक्नीशियंस हैं वो आ जाते हैं 8 बजे. आप अगर उनका पूरा टाइम देखेंगे, और हम लोग जब जाते हैं रात को, आप 2 घंटे और रुकते हैं. सो इन अ वे आप 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद, प्लस लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ जाना है. सो दे हैव लिटिल टाइम लेफ्ट फॉर द फैमिली. आई थिंक फैमिली को टाइम नहीं मिल पाता आप लोगों के. तो वो मुझे कहीं ना कहीं क्लिक होता है, मुझे बुरा लगता है. बट आई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं इतना बड़ा हुआ नहीं हूँ कि मैं, हाँ जब प्रोड्यूसर बन जाऊँगा तो ज़रूर कुछ करूँगा ऐसा.